गुड मॉर्निंग। ग्लोबल मार्केट्स में कोहराम क्यों मचा हुआ है इंटरेस्ट रेट्स को लेकर, और आखिरकार कैसे इम्पैक्ट करते हैं इंटरेस्ट रेट्स मार्केट्स को? देखिए, पिछले 15-16 साल से यूएस में क्या हो रहा था, फ्री का पैसा अवेलेबल था, इंटरेस्ट रेट्स ऑलमोस्ट जीरो थी, तो आप जितना मर्जी पैसा चाहें फेड से ले लें फ्री में, उसके बाद उनको रिस्की एसेट्स में लगा दें, इक्विटी में, कमोडिटी में, क्रिप्टो में, जहां दिल करे वहां लगा दें, फ्री का पैसा है, जितना मर्जी चाहें ले लें फेड से और आप लगा दें, और उसके बाद जो भी प्रॉफिट आए उससे ओरिजिनल पैसा लौटा दीजिए फेड को। अब दिक्कत आ गई कि अब रेट्स बढ़ रहे हैं, तो अब आप जो पैसा ले रहे हैं वो फ्री नहीं है, अब आपको उस पर 7-8% इंटरेस्ट रेट भी देना है, अब आप क्या करेंगे, अब आप फंस गए, और इसके लिए वो सारे के सारे एसेट क्लासेस जो आपने बलून अप कर दिए थे वहां से आप अपना पैसा निकाल रहे हैं। इंडिया में ये प्रॉब्लम नहीं है, क्यों? क्योंकि हमने कभी अल्ट्रा लो रेट्स रखे ही नहीं, तो हमको क्या डरने की जरूरत है? हमारे यहाँ तो 7% से कम में, 6.5-7% से कम में कभी होम लोन रहा ही नहीं है। हमने तो एक हमेशा एक प्रूडेंस रखी है कि फ्री का पैसा नहीं बांटना है। हमने तो इवन कोविड में भी फ्री पैसा नहीं बांटा था, इस चीज़ का ध्यान रखिएगा। तो ये चीज़ समझ लीजिए अपनी, कि ये जो प्रॉब्लम है ये एंटायरली एक यूएस की प्रॉब्लम है। हाँ, क्योंकि ग्लोबल मार्केट्स कनेक्टेड हैं तो हमारे ऊपर थोड़ा इम्पैक्ट जरूर आ रहा है, लेकिन इस वजह से मार्केट का गिरना एक्चुअली एक इन्वेस्टर्स के लिए एक अच्छी चीज़ है, क्योंकि उनको अच्छे स्टॉक्स लो प्राइस में खरीदने को मिलेंगे। इस चीज़ का ध्यान रखिएगा।